बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्पाइसेस ऑफ लाइफ में एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग ये देख रहे होंगे कि मेरे पास सामने से क्या सामान पड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान की 75th इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त को। तो मेरे स्कूल से रिलेटेड जो है थोड़ा सा जो हमारा काम है, हम लोगों ने बच्चों के लिए गुडी बैग्स जो हैं वो बनाने के लिए इरादा किया है, जिसके अंदर हम बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट डालेंगे, पता नहीं क्या डालेंगे, ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। जो भी फाइनलाइज होगा उसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, पहले हमने इसके लिए A4 का पेपर ले लिया। देख ले, एक साइड पर जो है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है और एक तरफ मेरे स्कूल का नाम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर के साइड से इसको 1 to 1.5 सेंटीमीटर जो है वो फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसी तरीके से हमने साइड से, एक साइड से देखिएगा, हमने इसको एक साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया। यहाँ से भी फोल्ड करने के बाद अब इक्वली आप लोगों ने इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, इक्वली मिलाना है, ये हमने इसको इक्वली यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये देखिएगा हमने इक्वली मिलाने के बाद अब यहाँ पे मैंने UHU लगा दी। ठीक है, कॉर्नर पे लगाइएगा ताकि जो है अच्छे से पेस्ट हो जाए, खुले नहीं आ। UHU लगा दी, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए टाइम दीजिएगा। लगाने के बाद अब आप नीचे से आप लोग 2 to 2.5 सेंटीमीटर जो इसको फोल्ड करिएगा। ठीक है, मैं विदाउट मेजरमेंट कर रही हूँ, आप लोग मेजरमेंट से भी कर लीजिएगा। ऐसे आपको बहुत सारी YouTube पे वीडियोस मिलेंगी, तो एक्चुअली मैं मुझे थोड़ा सा अपने स्कूल का काम भी था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो इस वजह से ये करने के बाद दोनों साइड से ऐसे ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो है हम लोगों ने फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप करने के बाद यहाँ से देखिएगा हाफ सेंटीमीटर या 0.75 सेंटीमीटर जो है हम लोगों ने इसको इतना फोल्ड किया। आप वन फिंगर के मेजरमेंट से भी कर सकते हैं इसको जो है, इसको भी मुझे फोल्ड करके ऐसे जो है इसके ऊपर ओवरलैप करना है। ठीक है, तो मैंने पहले फोल्ड करके आपको दिखा दिया, अब जो है हम इसके यहाँ पर यहाँ पर लगा देते हैं UHU। ग्लू गन से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, UHU हमने इसके ऊपर लगा दिया और ये हमने अच्छी तरीके से इसको पेस्ट करके, ये देखिएगा। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हो गया अच्छे से इसके ऊपर। UHU से पेस्ट करने के बाद दोनों साइड से हमें इसको 1-1 सेंटीमीटर जो है फोल्ड करना है। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर हमने फोल्ड कर लिया। ठीक है, अगर हो सके तो दोनों साइड पे इसको साफ फोल्ड करिएगा ताकि आपके बैग की क्रीज बनाने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने 1-1 सेंटीमीटर फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब ये देखिएगा ये हमारा इस तरीके से जो है वो बैक बैठ के, अब हम बताते हैं साइड की हम पीसेस की कैसे फाइनल करेंगे। ये देखिए, ये जो क्रीज है, ये देखिएगा, ये हमने जो क्रीज बनाई थी ना, इसी क्रीज पे हमने, ये देखें, इसको फोल्ड करके ये क्रीज को आपने अच्छे से दबाना है, नीचे तक लेकर आएंगे। फिर इधर सेंटर को सेट करने के लिए हमने, ये देखें, इसको ऐसे हमने फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा अच्छा सा बैक रेडी है, आप देख सकते हैं जैसे हमारा बैक रेडी हुआ। यहाँ के अंदर हम क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ मैं भी, और फिर मैं आपको इसको फाइनल करके दिखाती हूँ। जो भी होगा फाइनल, मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक है, हमने अभी बैग बनाया ना, आप लोग जो है ना, ये नॉर्मली आपके घरों में जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, हम उसका भी बना सकते हैं। मार्केट वगैरह में हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम लोग उसके लिए भी ये बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग कलरफुल पेपर से बना सकते हैं गिफ्टिंग आइटम्स के लिए। इसके अलावा घर में जो न्यूज़पेपर होते हैं हम लोग डेली बेसिस के यूज़ के लिए, मार्केट वगैरह जाने के लिए उससे हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेपर से बना सकते हैं। मतलब बहुत कन्वीनियंट है, बहुत चीप रेट्स में बहुत अच्छे से बैग आपके तैयार। हम लोगों ने इसके अंदर रिफ्रेशमेंट की चीज़ें डाल के ऊपर स्टैपलर किया था, और आप लोग इसके ऊपर डोरी भी लगा सकते हैं, ऊपर दो होल करके आप लोग दोनों साइड पे डोरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन बैग्स के अंदर हमने बच्चों के लिए कपकेक डोरी में का एक लेयर ऐड की थी। देखिए इतना अच्छा सा कपकेक है, आज़ादी मुबारक इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ सारे पैकेज सारे स्टाफ मेम्बर्स ने मिलकर रेडी किए रखे हुए,